विजय मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल इंदौर का CBSE जमा 2 का रिजल्ट शत प्रतिशत रहा है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए स्कूल के चेयरमैन सचिन शर्मा व प्रिंसिपल सोनिया शर्मा ने बताया कि विरोनिका ने मेडिकल संकाय में 96% अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान प्राप्त किया, तो वही अनामिका ने 95% अंक प्राप्त कर द्वितीय तथा नीतिका ने 92.8% अंक प्राप्त कर तृतीय स्थान प्राप्त किया, जबकि श्रेया गुप्ता ने नॉन मेडिकल में 95% अंक प्राप्त कर प्रथम, पलक ने 90.2% अंक प्राप्त कर द्वितीय व मानव ने 88% अंक प्राप्त कर तीसरा स्थान प्राप्त किया तथा वाणिज्य संकाय में आयुषी ने 87% अंक प्राप्त कर प्रथम, निशा ने 83% अंक प्राप्त कर द्वितीय स्थान प्राप्त किया। प्रिंसिपल ने बताया कि उक्त तीनों संकायों के 47 विद्यार्थियों में से सभी प्रथम डिवीजन में पास हुए हैं, जबकि 22 बच्चों ने 80% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, जबकि श्रेया गुप्ता की JEE मेंस 2020 में 99.2 अंक प्राप्त किए गए हैं। प्रिंसिपल सोनिया शर्मा ने अच्छे रिजल्ट के लिए अभिभावकों, स्कूल स्टाफ और बच्चों को बधाई दी है। एंकर पिंकी सिंह के साथ हिमाचल प्रदेश से गगन लाल गोत्रा की रिपोर्ट। I study in Vijay Memorial Senior class. I got 95% in medical, and I am very happy to see my result. This is of all because of my teacher's hard work, and they always encourage me to study well, to make me, and also they make me strong to get this top percentage. Myself, Shreya Gupta. From VMS, I got 95% in 12th in non-medical stream. I recently got 99.2 percentile in JEE Mains 2020. This is all because of the support of my parents, my teachers, and the management of my school. I'm really grateful to all of them. ये बच्ची की एक मेहनत का परिणाम है और इसने अपना 10th में भी अभी इसका पिछले 2 साल पहले का देखा जाए तो 10th में इंदौरा कंस्टिट्यूएंसी में इसने टॉप किया था 94% के साथ और अभी प्लस टू का जो रिजल्ट आया प्लस टू के रिजल्ट में भी इसने वही मेहनत को थोड़ा सा और अप किया है और 95% के साथ इसने प्लस टू को नॉन मेडिकल में इस टीम में टॉप किया हुआ है BMS स्कूल में। बाकी अभी रिजल्ट अभी ऑनलाइन क्लैरिटी नहीं आ रही है तो उससे पता लगेगा इंदौरा कंस्टिट्यूएंसी में इसका क्या पोजीशन है। इसकी मेहनत का श्रेय इसको तो जाता ही जाता है, साथ में मैं इसके स्कूल के टीचर्स जो हैं और उनके जो मैनेजमेंट है उसको मैं इसका श्रेय देना चाहूँगा क्योंकि स्कूल मैनेजमेंट ने इतनी मेहनत की है। ऑनलाइन क्लासेस में भी मैं देख रहा हूँ, ऑनलाइन क्लासेस में भी जो आज चल रहा है COVID-19 के अंतर्गत तो ऑनलाइन क्लासेस भी इतनी अच्छी तरह से इतने अच्छे ढंग से परफॉर्म की जा रही है तो उसी का परिणाम मेरे को लगता है कि मैनेजमेंट ने टीचर के साथ मेहनत करके बच्चे को इतने परसेंटेज पे लाया। बस देखते हैं, सबसे बड़ी बात जो ये है कि मेरी बेटी अनामिका BMS में पढ़ती है और दूसरी बात ये है कि उसने इस प्रेस टीम में जो कुछ हासिल किया है वो काबिले तारीफ है और तीसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि संस्था का विश्वास और जहाँ से निकले प्रोडक्ट आहिस्ता आहिस्ता इसके चलते चलते जा रहे हैं। अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल News Prime 24 को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर दबाएं।